हेलो दोस्तों, वेलकम टू बगी का व्लॉग एंड इट्स अ टाइम ऑफ रिएक्शन। अरे मूवी का टीजर आला रे आला। आराम से टीजर अच्छा है तो मतलब तुम एकदम ऐसा मत करो, एक्साइटेड नहीं होना है। अरे यार बाहुबली के बाद बहुत बड़ी मूवी का टीजर आ चुका है और हम लोग कब से वेट कर रहे थे। ऑल्दो ये प्रोजेक्ट डिले होते 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 थे, काफी डिले हो गया, पर हाँ उनका जैसे ही पोस्टर लॉन्च हुआ उसका सामने आ चुका था उनका टीजर आने वाला है। और जो टीजर आया है भाई साहब, है कुछ बात उसमें तो रही है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ 500 करोड़ वाली फीलिंग ना। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं PS1 आका पोनियन सेल्वन पार्ट 1। एक्चुअली ये एक नॉवेल बेस्ड है, मणिरत्नम जी का डायरेक्शन है इसमें, तो उन्होंने वो उस नॉवेल से ही ये सारा लिया हुआ है। और हमारे ये चोल डायनेस्टी के ऊपर बनी है। एक्चुअली इंग्लिश में चोलास बोलते हैं तो किसी को चोल नहीं समझ आएगी। हाँ, चोल नहीं समझ आया तो पता नहीं चला। तो हिंदी में एक्चुअली में वो चोल साम्राज्य बोला जाता है, चोल राजवंश बोला जाता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में चोला डायनेस्टी बोलते हैं। तो खैर ये मूवी पूरी हमारी हिस्ट्री के ऊपर बनी है। आई लाइक द बेस्ट पार्ट कि हमारी हिस्ट्री को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। VFX की बात करें तो VFX पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है भाई साहब। हॉलीवुड से टक्कर की जा रही है ऑब्वियसली, और इंडियन सिनेमा के पास वो है, वो दमखम है जो वो टक्कर ले सकता है। तो अभी ज्यादा देरी नहीं करते हैं, आपको फटाफट हम टीजर दिखाते हैं, नहीं तो आप बोलोगे बोर कर रहे हैं, तो ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको। पर फिर भी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, सब्सक्राइब कमेंटिंग सब कर देना अगर पसंद आ रहे हो तो, नहीं पसंद आ रहे हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बता भी सकते हो। आपके जेन्युइन कमेंट हमें बहुत अच्छा लगेंगे, ठीक है। इसमें ऐश्वर्या राय है जो हमारे दिल की हार्ट है, धड़कन धड़कन दिल है, सब है। बिगड़ गया था। इसमें विक्रम है, त्रिशा है, प्रकाश राज है, तो काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें, तो बहुत अच्छी कास्टिंग के साथ में ये मूवी आ रही है पर्दे पर। चलो देरी नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सुपर गजब, मतलब ट्रेलर एग्जैक्टली बाहुबली की याद दिला देता है ना। टीजर का अगर एक शब्द में अगर उसको वो वर्णन किया जाए, तारीफ की जाए, वर्णन किसको याद होगा भाई, तारीफ की जाए तो भाई सब चुम्बेश्वरी। आई लाइक इट, बाहुबली की ऑब्वियसली याद दिलाता है बहुत सारे। एंड सबसे अच्छा तो त्रिशा और ऐश्वर्या राय का फेस ऑफ वाला सीन, क्या सीन है भाई, कितनी क्यूट लग रही है दोनों के दोनों। आए हाय, मतलब फिर से प्यार हो गया ऐश्वर्या से। ठीक है मैन ते हैं, अब बच्चन फैमिली की हो गई है, बिलोंग करती है, तो तू भी किसी और को बिलोंग करता है, मैं तो तेरे को बिलोंग करता हूँ ना, तो बस ठीक है। ठीक है, तो बात बैक टू टीजर की आता है। एंड सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि इसमें सिर्फ ज्यादा स्टोरी लाइन के बारे में कुछ नहीं बताया, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा फाइटिंग के बारे में बताया। हाँ। कि कितना लार्ज वॉल्यूम में लड़ाई और वो दिखाया गया, मतलब ओवरऑल ये मूवी थिएटर बेस पे बनेगी, शाही अंदाज और बजट के साथ बनेगी। 500 करोड़ का बजट है ऑब्वियसली, तो ये लगता है भाई मूवी काफी अच्छा उस पर हिट करने वाली है, टारगेट अपने हिट करेगी, बहुत कुछ अचीव कर सकती है, क्योंकि इसका टीजर जितना चाहिए उतना ही दिया है। हाँ। स्टोरी के बारे में कुछ नहीं है कोई, और आई थिंक सब ट्रेलर में पता चलेगा थोड़ा बहुत, और बाकी तो पूरी मूवी देख के। प्लस आई वॉज होपिंग दिस कि अगर ये बुक के हिसाब से ही बने, क्योंकि लोग के एक बुक की इमेज होती है हर बार, क्या किया जाता है
कि जैसे बुक्स के हिसाब से जब इंडियन सिनेमा मोल्ड की जाती है तो इतनी ज्यादा मोल्ड हो जाती है, हाँ, मतलब वो ये चीज ना हो। जी हाँ, सही बात है, जैसी बुक हो वैसा के वैसी स्टोरी पे लिखा रहा तो वो क्या इंटरेक्टिव रहती है, रियलिस्टिक रहती है, रियलिस्टिक भी लगता है। और जिन लोगों ने, क्योंकि जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी है उनका मैंने देखा था, उन लोगों को वो बुक बहुत पसंद आई है। एम पी प्रा सेइंग कि ये बहुत ही रियलिस्टिक उसमें बुक में लिखा गया है, कहीं पे भी ओवर दी, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की बात है एक्चुअली। फिर ये बात हो जाती है कि अगर बुक के हिसाब से नहीं, हिस्ट्री मोल्ड होने की बात आ जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो मणिरत्नम है, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, काफी अच्छी फिल्में दी उन्होंने, रोमांटिक भी दी है और बहुत अच्छी अच्छी गुरु दी है उन्होंने, स्टोरी लाइन वाली फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म, दिल से हाँ। और तो, एक और जब वो गाना नहीं था फेमस हुआ था, बॉम्बे का सॉन्ग फेमस हुआ था, तो ऑब्वियसली ये सारी मूवीज एक दिल को छूने वाली है बहुत दिनों बाद इनका, और इनका भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आई एम होपिंग कि ये इसमें अपना जी जान लगा दें, बेस्ट देंगे। तो आप हमें देख के बताइए कि आपको टीजर कैसा लगा, आपको कौन सा शॉट अच्छा लगा, कौन सा सीन अच्छा लगा, कौन सा कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगा, आपको क्या लगता है ये बाहुली को टक्कर दे सकती है या उसे ऊपर जाएगी या उसके नीचे जाएगी, जैसा भी होगा आपको, जो भी आपको लगता है आपके ट्रू ओपिनियन व्यूज, ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन सेंड यू विद अस, बाय बाय।